जी सर, आपका नाम? अशफाक राणा, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जिला पुंछ का जिला सदर। तो सर बताएंगे, आप आज आप किस मुद्दे के लिए बात करना चाहते हो? देखिए सर, मुद्दे तो गुनागुन हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है, ये हिंदुस्तान का लास्ट कोना है। यहाँ डेवलपमेंट भी लेट पहुँचती है, यहाँ कोई भी काम है वो लास्ट पर ही पहुँचता है। जैसे म्यूनसिपलिटी का हालत देखें, बड़े शहरों में हम जाएंगे, जम्मू को हम बहुत बड़ा शहर कह रहे हैं, श्रीनगर को हम बहुत बड़ा शहर कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। और यहाँ उसके बरक्स पुंछ के अंदर सुरनकोट हो, मेंढर हो या पुंछ हो, इलेक्शन म्यूनसिपलिटी तो आ गए हैं, लेकिन हालत खस्ता है। हम समझते हैं इलेक्शन होने के बाद अगर नए मेंबर्स आ जाएंगे तो शायद यहाँ की हालत में तब्दीली आए, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा मुल्क जो है ये आज़ाद मुल्क है, इसमें डेमोक्रेसी है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन जो है ये फेयर हो, आज़ादी का सही आनंद उठाएँ और आज़ादाना तरीके से हों, जिसमें एक बहुत बड़ी रुकावट जम्मू कश्मीर सरकार टूट जाने के बाद आज तक असेंबली जो है वो भंग नहीं की गई। अगर ये एमएलए इसी तरह रहे, सरकार डिसॉल्व ना हुई, तो ये अपने फंड यूज़ करके, फंड का इस्तेमाल करके, लालच दे करके अपनी मर्जी के एमएलए ये ले आए, मेंबर्स ले आएंगे, जिसकी वजह से जो आवाम का नुमाइंदा चुनना चाहती थी आवाम, वो नहीं आ पाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, एमएलएज की जो फंड्स हैं उनको बंद किया जाए, उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएँ। तब मज़ा था कि फेयर इलेक्शन हुआ थे, अवाम अपना नुमाइंदा चुन पाती और आज़ादाना तरीके से यहाँ इलेक्शन होते, उसमें आनंद कुछ और था, ग्रास रूट पे मज़ा कुछ और था। साथ में एनसी और पीडीपी ने जो 3500 को लेकर इलेक्शन से बाइकाट का ऐलान किया है, 35 पार्टी इस चीज़ की मजम्मत करती है। अगर 35 पर आपकी इतनी बड़ी हमदर्दी है कि आप आवाम के साथ इलेक्शन से बाइकाट करके शामिल हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर है कि आप अपने पद से रिज़ाइन करके आवाम के साथ शामिल हो जाएं, तो हम भी मानेंगे कि वाकई ही आप आवाम के नुमाइंदे हैं और आवाम का दर्द रखते हैं। नहीं तो अगर आप अपनी तनख्वाह बारगजार रखे हुए हैं, आप अपना फंड बारगजार रखे हुए हैं, और आज पेंचू सरपंचू की बारी आई, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन के मेम्बरों की बारी आई, तो आपने बाइकाट का ऐलान कर दिया, ये आवाम के साथ एक बड़ी ज्यादती है। पेंचू सरपंचू की जो ग्रास रूट पर सरकार बनने जा रही है, उसके साथ एक ज्यादती है जो नाकाबले बर्दाश्त है। लिहाजा उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी साहब, अपने फैसले पे नज़रसानी करें और आवाम के साथ शामिल होने के लिए अपने पद से रिजाइन करके आवाम के साथ शामिल हो जाएं। शुक्रिया। आप देख रहे हैं जेके बालाकोट टाइम्स न्यूज। आप अपने आर्टिकल्स, न्यूज एंड वीडियोस हमारे ईमेल एड्रेस balakottimes@gmail.com पर भेज सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +17864858687। लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। आप हमें Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं @BalakotTimes। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.balakottimes.in।